सत श्री अकाल केम चो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलमोस्ट दो हफ्तों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ऐसे मैं डाल तो रहा था व्लॉग्स, लेकिन मैं ऐसा प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि ऑलरेडी हिमाचल में मैंने बहुत कुछ शूट कर लिया था। तो ऑलमोस्ट दो हफ्ते के बाद एक कैमरा पकड़ के मैं अपने टेरेस पे आया हूँ एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप कोई जगह पे रेगुलरली जाते हो और फिर एकदम ऐसा दो हफ्ते का ब्रेक पड़ता है और बाद में वापस आप जाते हो तो इट फील्स रियली रियली गुड। मज़ा आया। सिंस यू गाइज दैट इज़ अ चुंबक आर्मी, यू गाइज मीन एवरीथिंग टू मी। तो एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से ना ये चीज़ मेरे को खटक रही अंदर से कि मेरा जो कंसिस्टेंसी ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देर वॉज अ टाइम जब मैंने 10 days 10 vlogs बना लिए थे और अभी मैं महीने के सिर्फ 4 या 5 ही डाल पा रहा हूँ। ये सब के चक्कर में ना क्या हो गया, नंबर 1 व्यूज़ एकदम से नीचे आ गए, नंबर 2 मेरा जो ओवरऑल चैनल का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। स्टिल रिमेंबर अक्टूबर में मेरे 83,000 थे एंड अभी तक सिर्फ 94,000। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जितना भी मैं एफर्ट्स वगैरह डाल रहा हूँ इज इट इवन वर्थ इट, और क्या YouTube मेरी लाइफ में आगे मेरे लिए बढ़ने वाला है, विल YouTube एक्चुअली मेक my ड्रीम्स रियल और नॉट। हमेशा ऐसा मेरे को थॉट्स आते रहते बीच बीच में, और जब भी ऐसा थॉट आता ना तो कसम से बता रहा हूँ दिल से लगता है भाई। मोटिवेशन की तो फुल मदर सिस्टर। तो ऐसे टाइम पे आई प्रीफर कि मैं एक दिन का ब्रेक ले लूँ और अपने आप को बोलूँ कि नहीं, अगर यूट्यूब नहीं होता तो आज जहाँ पे तू है वहाँ पे भी नहीं पहुँचता। तो डो नॉट गिव अप, कंटिन्यू करते रहे, बीच बीच में ऐसा ब्रेक लेना जरूरी है। एंड एवरी टाइम आई हैव नोटिस कि जब कभी भी मेरा लाइफ ऐसा नीचे जाता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मेरा ऊपर मेरा मोटिवेशन आ जाता है। और अब की बार वो जो मोटिवेशन है वो है, नहीं नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा आप लोगों को और सस्पेंस में रखूंगा क्योंकि अभी तक ये चीज़ चालू हुई नहीं है। इसलिए मंडे से ये सब चालू होएगा एंड आई माइट नॉट बी इतना ज़्यादा एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, बट ट्रस्ट मी जो मैं करने वाला हूँ ना अभी अगले एक दो हफ्ते में, अगर ये चीज़ प्रॉपरली चल गई तो भाई अलग ही। तो ये सब जो प्लान्स है वो तो वैसे होने वाले जैसा किस्मत में लिखा है, लेकिन टॉकिंग अबाउट टुडे, आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे को इतना हेक्टिक डे मिला है। तो अभी सबसे पहले मेरे को ये व्लॉग शूट करना है अच्छे से विद टॉपिक्स जो भी मैंने लिखा है अबाउट दिस व्लॉगिंग सेटअप का वीडियो। उसके बाद आई हैव टू गो फॉर दैट सीक्रेट प्रोजेक्ट का थोड़ा हम लोग का डिस्कशन है एंड उसके बाद रात को वापस से मेरे को एक जगह पे जाना है जहाँ पे ओवरनाइट मैं रहने वाला हूँ एंड दैट प्लेस इज फेमस, इट्स वेरी फेमस, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा वर्बली पता नहीं है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है तो भाई मैं वहाँ जाके 110% एकदम तगड़ा वाला व्लॉग बनाऊंगा। तो मान लो अभी अगले 3-4 दिन है ना बहुत अच्छे वाले व्लॉग्स आने वाले, आई जस्ट होप बीच में कोई और मेरे को ऐसा जिंक्स नहीं हो जाए। सिर्फ एक थंबनेल के लिए देखो कितने सारे इक्विपमेंट्स लेकर आने पड़े थे, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, फटाफट है ना नीचे लाइक करो अभी। तो अभी जैसे मैं अपने टेरेस से नीचे आ रहा था तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर ये वाला जो वाइड एंगल लेंस है मेरा मोबाइल का, इसको मैंने लगा के रखा था। मेरे को लगा गिरेगा नहीं ऐसे ही, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ये वाला जो डंडा था ये एकदम से ऐसा कुछ क्रॉस हो गया और कुछ तो हो गया, ये जो लेंस है ये सीधा फट से नीचे गिरा एंड इट केम आउट ऐसा। और मेरे को पहले लगा कि भाई टूट गया क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो मेरी फट गई कि भाई अगर ये टूट गया ना तो अपना वाट लग जाएगा बिकॉज ये लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर माई वाइड एंगल शूटिंग। बट फिर मैंने वापस से डाल के देखा तो भाई लकीली ये अटैच हो गया वापस से, इसको मेरे को खाली इसको ऐसा धक्का देना है अटैच हो जाता है, बट एक क्रैक तो गंदा वाला गया। तो आई गेस ये लेंस अभी और आई गेस 1 महीने तक चलेगा और उसके बाद इसका भी देहांत हो जाएगा, तो क्यों ऐसी हरकतें करता हूँ मैं क्यों। जब वो लेंस गिरा तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि मैं वो लेंस को पकड़ने की ट्राई कर रहा था, और ये सब करते करते ना ये जो कैमरा का ये वाला पार्ट है ये सीधा मेरे हाथ पे ऐसा घिस गया एंड ट्रस्ट मी मेरे हाथ पे ना व्हाइट कलर का पूरा लाइन आ गया। और देख के मेरे को ऐसा लगा भाई क्या हो क्या रहा है, ये ठंडी की वजह से मेरी स्किन की फुल मदर सिस्टर ब्रदर फादर सब हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं छोटा था मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ भाई ऐसे हाथ पे व्हाइट व्हाइट लाइंस आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक्सेंट जीरो खेलते थे, बहुत कुछ मेरे हाथ पे खेलता था, लेकिन देन आई रियलाइज कि ये नहीं करना चाहिए, इससे स्किन खराब हो सकती है। इसलिए देन आई स्टार्टेड यूजिंग द मामा अर्थ विटामिन सी बॉडी लोशन विथ विटामिन सी एंड हनी एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी वेरी गुड। आई हैव बीन यूजिंग दिस ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग नहाने के बाद, अच्छा खासा डाल के अपने फुल हाथ पे पाँव पे हर जगह फुल बॉडी पे ना लगा देने का एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द एंटायर डे। उसके बाद आपके हाथ पे ना एक भी ऐसा व्हाइट लाइन आएगा नहीं है, देखो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो सिंस मामा अर्थ इज एन इंडियन ब्रांड, तो वो जो अपना इंटरनेट पे इतना फेमस वाला हैशटैग है, मैं हर बार ये चीज बोलता हूँ एंड आई फील आप लोग को भी अप्लाई करनी चाहिए, जो वोकल फॉर लोकल है वो सिर्फ इंटरनेट तक मत रखो लेकिन उसको रियल लाइफ में भी लाओ एंड बाय सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अगर मैं इन प्रोडक्ट को अपने स्किन पे लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम टकाटक आपकी स्किन रहेगी जैसे पहले थी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं यू कैन बाय देम फ्रॉम Amazon, नाइका और पर्पल एंड इफ यू यूज द कोड Aman2021 दैट इज Aman2021 तो आपको है ना 20% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि चुंबक आर्मी जिंदाबाद।
व्लॉगिंग। तो इंडिया में जब कभी आप व्लॉगिंग का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में या तो मुंबई का निखिल आता है, या तो फ्लाइंग बीस्ट आता है, या तो कभी कभी फुटप्रिंट्स भी आता है ना। मेरे को पता है, झूठ नहीं बोलने का, आता है ना। नहीं। तो इंडिया में बिकॉज ऑफ दीज मेन स्ट्रीम व्लॉगर्स व्लॉगिंग उस कैटेगरी में आ चुका है जहाँ पे आप सुबह उठते हो, आप अपनी पूरी लाइफ दिखाते हो और रात को आप जाके सो जाते हो। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर निकलो एंड इफ यू वॉच पीपल लाइक लोगन पॉल, डेविड डोबरिक, केसी भैया, पीटर मैकेनन एंड अ लॉट ऑफ अदर व्लॉगर्स, नोबडी ऑफ देम ये टाइम पे 2021 में कोई भी है ना अभी डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहा है। वो लोग जो कॉन्टेंट बनाते हैं ना, इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड ट्रस्ट मी, वो जो तरीका है ना व्लॉगिंग का, उसको मेरे को लाना है इंडिया में। इंडिया में हार्डली कोई ऐसा व्लॉगर है जो ऐसा करता है, तो अभी उसको अपन इंडिया में लाएंगे और थोड़ी नाको। तो जब व्लॉगिंग की बात आ ही चुकी है, तो जिस तरीके से मैं और ट्रैवलिंग हमेशा एक साथ ही रहता है और मैं घूमते रहता हूँ टच वुड, उसी तरीके से व्लॉगिंग के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे को ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। ये वाला कौन सा लेंस है? विच कैमरा यू यूज फॉर व्लॉगिंग? अमन भाई, बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप बताओ ना। बेस्ट माइक कौन सा रहेगा? आज तेरा भाई सबका जवाब देगा। सबका जवाब। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? हेलो। इस दुनिया में दो टाइप के ब्लॉगर्स होते हैं, एक होते हैं जो फोन से ब्लॉग बनाते हैं, दूसरे होते हैं जो कैमरा से ब्लॉग बनाते हैं। ऑब्वियसली ये दो ही से बनाएंगे कैसे होना? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और हाँ, तीसरा गोप्रो भी है। गोप्रो को ऐसा इग्नोर नहीं करने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ये नहीं होता ना तो मेरे कितने सारे व्लॉग्स बनते नहीं। तो गोप्रो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आज के व्लॉग में अपन बात करेंगे ओनली अबाउट द फुल कैमरा सेटअप एंड द फुल फोन व्लॉगिंग सेटअप। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट द बेस्ट फोन व्लॉगिंग सेटअप दैट यू कैन गेट इन 2021। बिकॉज जब मैंने चालू किया था बैक इन 2018, मेरे को जीरो नॉलेज था अबाउट व्लॉगिंग एंड मैंने सिर्फ अपने आईफोन के फ्रंट कैमरा से व्लॉग करना चालू किया। उसके बाद एक बहुत घटिया सा 100 रुपये वाला लेंस लिया था जो बहुत गंदा था, और उसकी वजह से क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई थी। आज जब मैं वो व्लॉग्स देखता हूँ, मेरे को पता है वो व्लॉग्स क्यों नहीं चले। कंटेंट अच्छा था लेकिन उसका जो क्वालिटी वॉज वेरी वेरी बैड, कुछ दिख ही नहीं रहा था लोगों को। तो अगर आपको वो बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप बनाना है ना, तो आपको ये चीज लगेगी। सबसे पहले आपको एक फोन की जरूरत लगेगी, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन प्लीज व्लॉगिंग करने के लिए नया फोन मत खरीदना। अगर आपको नया कुछ खरीदना है ना, तो प्लीज एक DSLR ले लेना। व्लॉगिंग के लिए नए फोन में इन्वेस्ट मत करना, यू विल रिग्रेट आगे जाके। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मत करना। नेक्स्ट यू विल रिक्वायर इज अ ट्राइपॉड। ये वाला ट्राइपॉड तो बहुत गंदा हो चुका है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक ऑक्टोपस पॉड ले ही लो। अब ऑक्टोपस पॉड कौन सा है? ये वाला। द थर्ड एंड द फोर्थ थिंग दैट यू विल नीड इज द फोन माउंट, और उसके ऊपर है ना ये वाला माइक आप लगा दो। दिस इज द बोया M1, और ये मैंने इसको है ना फेविक्विक से चिपकाया हुआ है, तो ये कितना भी धक्का मारो टूटेगा नहीं। कैसे टूटेगा? लास्टली इट इज द वाइड एंगल लेंस। तो अगर आपके पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है तो आपको ऑलरेडी वाइड एंगल लेंस उसके अंदर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसा आईफोन 7 है या फिर कोई दूसरे कंपनी का है जिसके अंदर वाइड एंगल लेंस नहीं है, आई वुड प्रीफर ये जो एडकॉम का लेंस है ना, इसको ले लो। बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ट्रस्ट मी, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये हो गया अपना फोन का बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप। अगर आप ये सेटअप लेके व्लॉग करोगे ना, आपके व्लॉग्स अच्छे ही बनने वाले क्वालिटी वाइज, क्योंकि आपको वाइड एंगल भी मिल गया, आपको अच्छा ऐसा माइक भी मिल गया, आपके पास ट्राइपॉड भी है पकड़ने के लिए, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। अब अपन बात करेंगे अबाउट द कैमरा सेटअप। अब अपन बात करेंगे अगर आपके पास एक कैमरा है तो आपके लिए बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप क्या होएगा। सो दिस इज माई प्राइमरी कैमरा, द कैनन M50, और इसके ऊपर है ना मैंने 1018 वाला लेंस लगाया हुआ है। ऑल दो आई हैव अनदर लेंस दैट इज द 1545mm लेंस, बट ये वाला जो है ना, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। तो बहुत बार ये वाला सवाल पूछा जाता है कि वाई डिड आई टेक कैनन M50 एंड नॉट एनी अदर कैमरा। तो इसका ना सिंपल जवाब मैं दूंगा कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको व्लॉगिंग करना है ना, तो यू डू नॉट नीड अ ह्यूज सेटअप, क्योंकि वो आप इंडिया जैसी कंट्री में वो कैमरा लेके अगर आप बाहर व्लॉग करोगे, ट्रस्ट मी, आपको एवरी डे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कैनन M50 वॉज द ओनली कैमरा एट दैट टाइम। मैंने छोटा वाला कैमरा लिया, प्लस ये मिररलेस था, तो इसका क्वालिटी वॉज मच बेटर देन द कैनन 200D और एनी अदर DSLR। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक, दिस इज द DT माइक। आई डोंट नो DT बोलते हैं, DT बोलते हैं या DT बोलते हैं, इवन आई एम नॉट श्योर एक कंपनी को एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू गो एट बोरा बाजार और मैं इस माइक को खरीदने वाला हूँ। ये माइक मेरे को एक्चुअली हर्षित भाई ने दिया था कि तू वापस ले, लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा माइक है कि मैं बोला भाई इसको मैं रखने वाला हूँ। सो दिस इज ऑफ ऑलमोस्ट आई गेस 7,000 या 8,000 का है, बट जो क्वालिटी है इज वर्थ इट।
नाउ टॉकिंग अबाउट द गोरिल्ला पॉड, अगर आपके पास एक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा है ना, देन आंखें बंद कर लेना एंड जॉबी का ही लेना. ये आपको 4-5 thousand के आसपास पड़ेगा, बट दिस इज द ओनली ट्राइपॉड दैट यू कैन यूज एक्चुअली विद द DSLR. क्योंकि अगर आपको गंदी क्वालिटी का लोगे ना, ट्रस्ट मी, किसी दिन सीधा कैमरा गिर गया ना रस्ते पे, तो यहाँ से दिल बाहर आएगा और ऐसा मुंह से बाहर आके गिर जाएगा और आपका. सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर माई व्लॉगिंग सेटअप. कह लो फोन या फिर कैमरा, यही सब कुछ है जिससे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ. कभी कभी मैं अपने फोन से भी व्लॉग करता हूँ प्रॉपर, वो सेटअप वगैरह लगा के, अगर मेरे को कोई दूसरे एंगल से शूट करना हो. बाकी मेरा यूजुअली एक कैमरा से ही होता है, बट आई स्टार्टेड विथ फोन एंड मैंने 100 वीडियोज फोन से बनाए थे. तो अगर मैं अगर एक कंक्लूजन पे आऊँ दैट शुड यू यूज फोन फॉर व्लॉगिंग और शुड यू यूज अ DSLR, ट्रस्ट मी, व्हाटएवर यू हैव इज द बेस्ट इक्विपमेंट. क्योंकि काफी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, और काफी ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत आगे तक पहुंच गए.